नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और खास मुलाकात में आज एक बहुत ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। पहुंचे हैं सोनीपत में, और सोनीपत के अंदर वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा परिचय मैं करा देता हूं आपको। हमारे साथ जो हैं एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, लगातार जैसे कि आपको बताऊं मैं, सोशल मीडिया पे सबसे पहले इंसान हैं जो सोशल मीडिया पे शुरू किया है, जिन्होंने एक माताओं के लिए, बहनों के लिए, हर तरीके से गरीबों के लिए, हर तरीके से मदद करने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया और पूरे भारत के अंदर मशहूर हो चुके हैं पूरी तरीके से। आज के दिन हमारे साथ हैं आज हरियाणा की एक सनसनीखेज शख्सियत, हर्ष छिक्कारा जी। हर्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वागत है, और साथ में जितने दर्शक साथी आवाज़ सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, सभी को हर्ष छिक्कारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई। हर्ष भाई, आज आपके पास पहुँचे हैं हम। आज थोड़ा सा ये था कि काफ़ी असमंजस की स्थिति चल रही थी, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और बहुत तरीके से बहुत ये लगा लो असमंजस ये था कि भाई हर्ष छिक्कारा चुनाव में आने वाला है, हर्ष छिक्कारा चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन आपने जो है उन सारी चीज़ों पे विराम लगा दिया है और आप जो हैं राजनीति पॉलिटिक्स के अंदर कूद गए हैं। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या रीज़न रहा कि भाई हर्ष छिक्कारा जो एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है, हर समय हर इंसान के लिए मौजूद रहता है, काम एक किसी भी तरीके की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्या रीज़न रहा कि भाई हर्ष छिक्कारा को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत पड़ी? बड़े भाई साहब, जैसे कि आपने अभी बोला, आप एक पत्रकार हो, हर जगह जाते हो, आपने भी बोला कि हर जगह ये चर्चा था कि हर्ष छिक्कारा राजनीति में आवेगा या नहीं आवेगा। जब आपके दिल दिमाग में ये बातें हैं तो आम जनता के दिल दिमाग में भी यही बातें थी, और जो ज़्यादातर आदमी हैं जिनके विचार सुनते थे सब ये चाहते थे कि भाई आप एक बात बताओ, ना आने का कारण बताओ, आना क्यों नहीं चाहते। सबका सवाल ये होता था, इसका मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता था। मैं जवाब दे देता था कि हम राजनीति कर तो नहीं सकते ना, क्योंकि हम सीधी सरल स्पष्ट बात कहने वाले हैं, ऐसे इंसानों को कम आदमी पसंद करते हैं। उनका जवाब ये होता था कि ऐसे इंसानों की तो ज़रूरत है, क्योंकि नेता मंत्री जितने भी हैं आप उनसे मिलोगे, कैमरे के सामने कुछ होते हैं, कैमरे के पीछे कुछ होते हैं, उनका अलग अलग फेस होता है, उस फेस को चेंज करना है, एक यूथ को आगे लाना है, यूथ आगे आएगा तभी तो हरियाणा के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तब उनकी बातें सुनी, उनकी जो विचार सुने, तो उस बात से दिल दिमाग में यही आया क्यों ना एक ऐसी पहली की जाए। हम यूथ हैं, हमारे अंदर वो ताकत है, अभी सामर्थ्य है, तो हमें उसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। फिर एक चीज़ बताओ, जिस तरह हर्ष छिक्कारा का जो जो एक करेक्टर जो है, एक चरित्र जो सामने आता है, वो स्पष्ट बोलने वाला, बिल्कुल जुझारू तरीके से जवाब देने वाला और एक साफ स्पष्ट एक करेक्टर आता है, लेकिन राजनीति के अंदर तो आपको पता है कि हर इंसान जो है ऐसा चलता है कि सामने कुछ होता है पीछे कुछ होता है ऐसा, तो क्या हर्ष छिक्कारा इन चीज़ों को आगे तैयार है इन चीज़ों से लड़ने के लिए? भाई मेरे को कहीं झूठ बोलनी पड़ी तो मैं झूठ भी बोल लूँगा, कहीं किसी को किसी तरीके से जवाब देना पड़ो तो मैं दे दूँगा, क्या इस चीज़ के लिए हर्ष छिक्कारा तैयार है राजनीति पॉलिटिक्स में? बड़े भाई साहब, जो हमारे अंदर कमियां हैं, खामियां हैं या बचपना है, देखो उन चीज़ों को निरंतर सुधार करते रहना चाहिए, वो करते रहेंगे। हम किसी सत्ता के लालच में या किसी पद के लालच में ना तो झूठा आज तक बोले, ना कभी बोलेंगे, ना किसी को झूठी दिलासा देंगे, ना ही हमारा ये काम है। जात पात धर्म मजहब झूठ काट फांस ये अपने बस की नहीं है, अपना जो भी है सीधा सरल है साफ है, हमारे बस की अगर कोई कार्य है तो हमारी तरफ से हाँ है, हमारे बस का कोई कार्य नहीं है तो सीधी हमारी तरफ से ना है। क्योंकि आप जितने साफ सुथरे रहोगे, हो सकता है साफ बोलने वाला इंसान आपकी जो मुँह पे आपको कड़वा लगे, लेकिन वो बाद में आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप ये भी तो बोलोगे ना, देखो भाई उसने ये काम उसके बस का नहीं था तो उन्हें सीधम सीधे मना भी कर दिया था, हमारे चक्कर नहीं कटवाए, हमारे को झूठी दिलासा नहीं दिया। जिस तरीके से हर्ष छिक्कारा स्पष्टवादी हैं, साफ बोलने वाले हैं, एकदम से जवाब देने वाले हैं, सीधा जवाब देते हैं, तो उस वजह से हर्ष छिक्कारा पे लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत लगातार आपके वीडियो आते रहते हैं जिसमें आपके ऊपर बहुत सारे अलग अलग जगहों से आरोप लगते रहते हैं, आप उनका बहुत तरीके से बहुत मतलब एक जुझारूपन से आप उनका जवाब देते हो। तो अभी भी जैसे आप जब चुनाव में आए कूदे हैं और आपने जिस तरीके से डिक्लेयर किया है कि भाई मैं गोहाना से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं, उसमें भी ये बोल रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भाई आप यहाँ से लड़ लो, वहाँ से लड़ लो, मेवात से लड़ लो, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब ऐसा क्यों, इस तरह के क्यों आ रहे हैं, जब भाई एक इंसान जहाँ की एक मान लो भाई आपने कुछ सोच के ही गोहाना डिसाइड किया होगा,
सबसे पहली बात तो कि क्या सोच के भाई गोहाना ही क्यों, क्योंकि हर्ष शिकारा आज के दिन पूरे हरियाणा पूरे भारत में फेमस है, हरियाणा में कहीं से भी लड़े तो हर्ष शिकारा जीत सकता है, तो गोहाना क्यों ये चीज़, और जो मेवात के आरोप लग रहे हैं वो क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आरोप ना तो हम किसी चीज़ में कोई दोषी हैं, ना ही किसी चीज़ में हमने आज तक कोई गलत किया है। ये लोगों के आप अपने विचार होते हैं, सब आप अपने विचारों के तरीके से अपनी जो भी होती है वो उस प्रकार की कमेंट कर देते हैं या आपके ऊपर ताने मार देते हैं, वो उनकी सोच है। क्या होता है आजकल लोग अपने विचारों से कम चल रहे हैं, जो सरकार होती है उसके विचारों से ज़्यादा चल रही है, यानी कि उस सरकार जो टीवी में परोस के दिखाती है, फ़ोन में परोस के दिखाती है, या आपके सामने जो वीडियो आती हैं उनमें आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो इंसान उसी सोच से जुड़ के फैसले लेने लग गए, उसी सोच से वो आपको गलत बोलने लग गए हैं, उसी सोच से वो आपको सही बोलने लग गए हैं। तो वो सबके अपने निजी विचार होते हैं, जो हमारे विचारों से सहमत हो हमारे को सही बोलेगा, जो हमारी विचारधारा का आदमी नहीं है किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होगा उनके खिलाफ अगर हम उनको बोलते हैं तो उनको शायद अच्छे नहीं लगते होंगे। रही बात गोहाना की, गोहाना विधानसभा क्यों चुनी, मैं बताता हूँ। अगर लडरावण गांव मेरा जन्मभूमि है तो सोनीपत पूरा का पूरा सोनीपत मेरी कर्म भूमि है, सोनीपत के अंदर ही गोहाना था। 16 साल मेरे को यहाँ हो चुके हैं, 16 सालों से हर घर के अंदर मेरा आना जाना है, प्यार प्रेम है, भाईचारा है, इन्हीं के बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ, इन्हीं के बीच में इन्हीं से सब कुछ सीखा है। मेरा मानना ये है जो अपनी कर्म भूमि हो अच्छी पहल वहीं से करनी चाहिए, वहीं से करनी चाहिए। चलो हर्ष शिकारा ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं गोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, तो क्या हर्ष शिकारा जिस तरीके की शख्सियत है, जैसे सेलिब्रिटी हैं और लगातार एक सेलिब्रिटी कहूँगा मैं कि भाई हर्ष शिकारा को आज के दिन कौन नहीं जानता, तो हर पार्टी ने मेरे हिसाब से आपको ऑफर दिया होगा, एक थोड़ा सा बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ से आपको भाई कि भाई हमारे साथ आके लड़ो? पार्टियों के साथ ऐसे ऐसे आदमी भी जुड़े हुए होते हैं जिनको शायद चार चार आदमी भी ना जानते हों, तो अब हमारे को भाईचारे के कारण लगा लो या आप लोगों के प्यार प्रेम के कारण लगा लो, तकरीबन भाईचारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो पार्टी वालों को ये तो दिखाई देता ही है कि इसके पीछे कुछ न कुछ बैक तो होगी। तो हर पार्टी ये चाहती है ऐसा इंसान हमारे साथ जुड़ेगा तो शायद हमारा, वो आपका भला नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारा भला होगा, ये सबकी सोच होती है, नॉर्मली बात है। रही बात ऑफर की, तकरीबन ज़्यादातर को ले आती रहती हैं, हर पार्टी से आती हैं, हर पार्टी का किसी न किसी अधिकारी से कभी न कभी बात हुई है, कोई न कोई अपनी कोशिश सब करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो जिस इंसान से संतुष्ट होगा, जिसकी विचारधारा से संतुष्ट होगा, हम उसी के साथ जुड़ेंगे। और मेरा मानना ये है जिसके साथ एक बार जुड़ गए फर्स्ट एंड लास्ट तक वहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन हर शिकारा के मन में ये तो आता होगा कि भाई क्योंकि देखो आप हर पार्टी के काम देखते हो, हर पार्टी की नीतियां देखते हो, अभी इलेक्शन पीछे का इलेक्शन भी देखा आपने, अभी लोकसभा चुनाव वो भी देखा, काम क्या हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो हर शिकारा के अंदर ये तो आता होगा भाई मुझे चलो ठीक है इस पार्टी से ऑफर आ जाता है मैं एक बार सोचूंगा, लेकिन ये पार्टी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ तो मेरे को जाना ही नहीं, ऐसा कुछ सीधम सीधे इस पार्टी की नीतियाँ मुझे पसंद, सीधम सीधे एक सी बात है, जो भाईचारे को तोड़ेगी, जो जातिवाद को फैलाएगी, जो झूठे दिखावे के कारण एक वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में आपसी प्यार प्रेम में फूट डाल देती है, ऐसी विचारधारा से हम सहमत नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। तो हर शिकारा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कि निर्दलीय लड़ेंगे? अपना काम है लड़ाई लड़ना, हमने घोषणा कर दी तो हम लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। अब हम पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे उसका जो फैसला है वो करेगी जनता, जनता का जो आदेश होगा, गोहाना की जो जनता है, हमारे जितने पिता तुल्य बुजुर्ग मात्र शक्तियाँ हैं, वो जो भी आदेश देंगी, उन्होंने अगर ये बोल दिया कि आपको निर्दलीय ही लड़ना है तो निर्दलीय लड़ेंगे, अगर उन्होंने ये बोला नहीं पार्टी से लड़ना तो पार्टी से लड़ेंगे। गोहाना से बात आपने लड़ने की घोषणा की है और गोहाना विधानसभा के अंदर लगातार पिछली 3 कार्यकाल जो हैं वो जगबीर मलिक लगातार 3 बार जीत चुके हैं यहाँ से, एक अच्छा खासा मतलब एक अच्छे एज्ड भी हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय हैं, 28-30-40 सालों का उनका एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, राजनीतिज्ञ हैं बहुत बड़े, तो उनके सामने एक हर्ष शिकारा अपनी स्थिति को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखो हमारे लिए तो सम्मानित है जी, क्योंकि पिता से भी ज़्यादा उम्र के, दादाजी इतनी उम्र के हैं, 73 साल शायद उनकी उम्र हो रखी है, विधायक साहब ने, गोवाना ने विधायक साहब को 5 बार विधायक बनाया है यहाँ से। अच्छा। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा, इससे बड़ा आशीर्वाद तो क्या देगा गोवाना क्षेत्र, मानते हो? लेकिन 5 बार बनने के बाद उन्होंने, मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनली राय है, शायद एक बार जितना भी काम नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि विधायक साहब मेरे को तो आज तक 16 साल तो मेरे को हो चुके हैं, 3 बार विधायक साहब को मैंने अपने जीवन में ही देखा है, उन 3 बारों में 3 बार चुनाव में देखा है, 2 बार चुनाव में देखा है, 1 बार एक फंक्शन एक प्रोग्राम में देखा है जहाँ मुलाकात हुई। अच्छा।
अच्छा। तो मेरा मानना ये है विधायक साहब की एज भी ज़्यादा हो रखी है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं आने जाने लायक वैसे भी नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा। सबसे अच्छा यही रहेगा किसी यूथ को आशीर्वाद देके उसको आगे कर दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इन इसमें उनका बड़पन भी रहेगा और इसमें ये भी रहेगा कि उसने अपनी दरिया दिली दिखाई, बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा और फिर भी उन्हीं को लड़ाते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं या उन्हीं को चुनाव जितवाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो इंसान ओवर एज हो चुका है, जो चल फिर नहीं सकता, घूम फिर नहीं सकता, जो फिलहाल ही हल्के में किसी इंसान के पास नहीं जाता, बढ़ने के बाद क्या करेगा फिर वो? और विधायक साहब से अरस छिकारा को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जितने भी गांव हैं सब के सब गांव नाराज हैं। अच्छा। क्योंकि उनका मानना ये है हर गांव के अंदर विधायक साहब के चार आदमी हैं, उन चार आदमी के बाद अगर पांचवा गांव का जो मुख्य इंसान होता सरपंच, सरपंच को भी कोई काम होगा विधायक साहब उनका काम नहीं करेगा, पहले उन चार आदमियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, उन चार आदमियों को ये बोलना पड़ेगा विधायक साहब तो बात करें ना भाई, वे विधायक साहब को ये बताएंगे विधायक साहब सरपंच ने आप की वोट दी थी, अगर वोट दी है तो फिर उस तो बात करेगा, वरना बात करना भी पसंद नहीं करता। ये हमारे विधायक साहब 250 आदमी जुड़े हुए हैं टोटल 62 का मामा किन के साथ, उन्हीं से वोट मांगने जाता, वही चुनाव लड़वाते हैं, वही संपर्क में रहते हैं। किसी भी गांव का पांचवा आदमी विधायक साहब को जानता भी नहीं पाएगा। 70% पब्लिक तो ये कहती है, जो यूथ और युवा उनका तो यू का नाम ना शक्ल का है ना मेरा विधायक है कौन। तो फिर हर्ष भाई जब काम नहीं कराते फिर भी लगातार बन रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वोट आ रही हैं, अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका एरिया है, आप थोड़ा सा जनता का रिव्यू लिया होगा आपने इस बारे में, क्यों बनते हैं? इसका रीजन एक है, जो भी ओल्ड रोहतक जिसको बोलते हैं रोहतक सोनीपत और झज्जर, ये माना जाता है कि हुड्डा साहब का गढ़ है, हुड्डा साहब की यहाँ पे छाप है, हुड्डा साहब की जो छाप है, हुड्डा साहब की जो टच में पर्सनली आदमी या हुड्डा साहब को जो पसंद करते हैं या दीपेंद्र हैं, दीपेंद्र जी सांसद हैं, वो यहाँ के बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अच्छा। उनसे बहुत ज़्यादा पब्लिक प्यार करती है, ओल्ड रोहतक की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो पूरा हरियाणा करता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, तो जो उनसे प्यार करते हैं ना उनके कारण विधायक जी को वोट मिल जाती है। वो जब यहाँ के ये कहते हैं ना गाँव गाँव ये देख लेना यो नहीं हार रहा हम हार रहे हैं। अच्छा। इस मारे सहानुभूति जो सहानुभूति के कारण वोट ले लेते हैं। और विधायक साहब तो अभी सुनने में आया 3 दिन पहले की बात, विधायक साहब ये कह रहे थे मारी कौन टिकट काट देगा। अच्छा। मैं तो या जो कुर्सी है ना कुर्सी जिस कुर्सी पर बैठा हूँ जो मेरा अंतिम समय होगा यानी कि जितनी भी उम्र परमात्मा ने दे रखी होगी 100 साल जीवे या 150 साल जीवे इस कुर्सी पर ये जाऊँगा। इस कुर्सी से पहले ना तो मैं जा सकता ना मेरी को टिकट काट सकता ना मैं हार सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ विधायक साहब ओवर एज हो चुके हो आप, आपकी रेस्ट करने की उम्र है, आप रेस्ट करके किसी यूथ को युवा को अरस छिकारा को नहीं, हमारे से कोई अच्छा काम करने वाला इंसान हो वो उसको आशीर्वाद देके अगर संन्यास लोगे तो इसमें आपकी भी प्रशंसा होगी। इतनी उम्र में ये तो है नहीं कि बाप ओलंपिक में गोल्ड लाओगे, आपसे एक बार और बना दे एक मौका और दे दें तो आगे को आस उम्मीद है। लगातार 3 बार के रनिंग के कंटिन्यूटी में 3 बार के विधायक है, 2 बार पहले बन चुके, 5 बार विधायक बना दिए। इस हल्के ने इतना बड़ा एहसान कर दिया, आपने जीवन भर इस हल्के का एहसान नहीं भूलना चाहिए, अपने बच्चों को भी ये बताना जब तक आप जियो इस हल्के का एहसान मत भूलना, क्योंकि आपके पिता को बिना काम करे 5 बार बनाया। जिस तरीके से हर्ष शिकारा ने जवाब दिया है मुझे लग रहा है हर्ष भाई की अंदर खाते जो है ऑफर है और टिकट ये कटने वाली है, ऐसा लग रहा है मेरे को, तो फील हुआ ऐसा कि जगबीर मलिक की टिकट कटने वाली है और कांग्रेस से हर्ष शिकारा। देखो वो तो परमात्मा के हाथ में ऊपर वाले जाने, हमें तो क्या पता टिकट कटेगी या टिकट नहीं कटेगी। जिस तरीके से आपने इशारा दिया मेरा आपको ऐसा लगता तो हो सकता आपके मुंह की करनी हो, बाकी मेरा मानना ये है ये तो विधायक साहब जाने, विधायक साहब खुद अपने मुंह से जब स्वयं ये कह रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूँ जीवित हूँ मेरी टिकट काटने वाला कोई नहीं है। अब उसके तार कहाँ जुड़ रहे हैं या उसकी ताकत इतनी है वो जाने, हमारे को पता नहीं इस चीज़ का। हर्ष भाई जिस तरीके से देखो इलेक्शन लड़ना एक छोटी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो हर्ष छिकारा सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार जुड़ा रहता है और भाइयों से लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू अपील करता है कि भाई आप मदद करो, सबसे मदद की गुहार लगाते हैं और मदद करते हैं जाके, हज़ारों कन्याओं की शादियाँ करा चुके हैं, लोगों को एक छत भी दे चुके हैं। तो हर्ष चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए हर्ष भाई, हर्ष भाई के पास खजाना जो है वो कितना खजाना है? गरीब जैसे कि आप बताते हो कि भाई मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, तो हर्ष भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? देखो पैसा उनको चाहिए जिनको मॉल की तो टिकट लेनी हो,
जिसने छल से चुनाव लड़ना हो उसको मेरे हिसाब से, मेरा मानना है, ज़्यादा पैसे की नीड होगी। आम नागरिक को, आम जनता को पैसे की नीड नहीं होगी इतनी ज़्यादा। पैसे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनमें हमारे में क्या फ़र्क है। अब कोई आदमी 10 करोड़ रुपये में टिकट खरीद लाया, 10 करोड़ की दारू बांट दी, 10 करोड़ रुपये लोगों में बांट दिया कि भाई वोट खरीदने का एक सिलसिला बोलिया करें। अच्छा, 5 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार पे लगा दिए, बैनर पोस्टर सब कुछ पकवा दिए, दुनिया भर की चीजें मतलब दिखावा कर दिया, अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। तो अब ऐसे तो उसने अपने चुनाव में 40-50 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगा दिया। अब जो 40-50 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगा रहा है वो बनने के बाद सबसे पहले तो जो 40-50 करोड़ रुपया उसने लगाया है उसको कम से भी कम आप 100 से गुणा कर लो। इतने रुपये जब तक उसकी जेब में नहीं होंगे वे चुनाव नहीं लड़ते। उनके लिए बिजनेस है, पैसा डबल करने की ट्रिक नहीं होती। ये पैसा डबल करने की नहीं, पैसे को 100 गुना करने की ट्रिक है। वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ से पैसा कमाने की सोचेंगे। वो क्यों भला करेंगे, जो हर चीज़ मोल की लेके आए वो तो एक व्यापारी हैं। और हमारे में क्या फ़र्क है, हम एक गरीब परिवार से आते हैं, ये वास्तविकता में तो आज भी किराए के मकान में रहूँ। आप जाकर आप भी तसली कर सको, अब कौन सा ये नहीं है कि मैंने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी। मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, ना तो मैंने किसी को दारू पिलाने की ज़रूरत, ना मैं दारू पिलाऊंगा, मेरा इतना बड़ा जुगाड़ नहीं कि मैं दारू पिलाऊं लोगों को, ना ही मेरे को टिकट खरीदने की ज़रूरत, ना ही मेरे को अपना चेहरा चमकाने के लिए 10-5 करोड़ रुपए लगाने की ज़रूरत। मेरे पास ये जनता है, जो कुछ बनाए हैं इन बनाए हैं, ये चेहरा जिस कारण चमका है उसके पीछे भी ये जनता ये रही है, मैं नहीं हूँ। सब कुछ आप लोगों का प्यार प्रेम रहा, जनता का प्यार प्रेम रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से शुरुआत करी पहली आरस शिकारा केला था। ये कारवा जो अपने आप बनता चला गया, चुनाव लड़वाओं भी येंगे, खर्चा भी ये करेंगे, जतावे भी येंगे। बहुत सारे भैया के फोन आवा घोषणा करते ही, भाई जितनी गाड्डी चाहिए बता। हर इंसान का कहना 2 गाड्डी मैं दूंगा, 5 गाड्डी मैं दूंगा। हर इंसान का ये कहना, भाई जितने रुपये चाहिए चुनाव के लिए बता। गाड़ी घोड़े का तेल गल लगा, अंडा फ्री होगी, पोस्टर बैनर लगेंगे। तो इस टाइप का जो मतलब जरूरतमंद चीजें हैं, जरूरतमंद सामग्री है, उसके लिए जो पैसा लगेगा उसके लिए हम खड़े हैं। जैसे कि रामानंद महाराज जी हरिद्वार में हैं, बड्डी गद्दी पे बैठते हैं, वहां के कम से भी कम 200 मैन तो नहीं इकट्ठा हो गए। उनके साथ पुराने टाइम से जुड़ा हुआ हूं, लोगों को पता ही नहीं है। लोग तो धर्म में वैसे घुसे हुए हैं, हम दिल से जी जान से प्यार करते हैं। तो वहां मैं जो जुड़ा हुआ हूं, उन लोगों ने सबसे पहले मेरा वहां स्वागत करके 5 लाख रुपए नगद मेरे को दिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि 21 लाख रुपए आपके जो भी ये चुनाव होगा उसके अंदर लगाने का कार्य हम करांगे, 3 गाड़ी परमानेंट अपनी तरफ था हम देंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे भाई हैं, मैं उनते एक बात कहने लग रहा हूँ, इतने रुपया की जरूरत ना, इतना खर्चा हम ना करना को ना। हमारा सिर्फ एक ही काम है, मैन टू मैन मार्किंग, लोगों के द्वारा लोगों से मिलना, अपने बारे में बताना। भाइयों यो काम हम बिना पद बिना पावर के कर रहे हैं। जैसे आपने बताया 1000 छोरी ब्याह दी, 150 बात भर दिए, 5000 लगभग परिवार बसा दिए, 50 करोड़ रुपए की नगद मदद कर दी। जिस टाइम कोरोना काल था 5 लाख आदमियों को, गरीबों को राशन बांटा था। अच्छा। जो पुलिस प्रशासन होया करती अपने सोनीपत के आसपास, जो हमारे थाने चौकी लाग जा रहे उनके बाहर भीड़ लाग जा रही, 200-300 आदमियों की। अच्छा। राशन लेनती जी भूखे मर गए, दिहाड़ी की तो लागती नहीं, कमा का कड़ा खाऊंगे, घर आगे भीतर तम न रोक दिए कोई, वो तो बताओ समाधान। तो वे मेरे पास लिस्ट भेज दिया थे, सामने यहाँ चलना है। आप देखियो, मैंने न्यू कही थी जी ऐसे नहीं जाऊँगा, प्रशासन मदद करनी पड़ेगी। प्रशासन मेरी गैल जाया करती, आज भी ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें पाऊंगी, 5 लाख आदमियों को राशन जोगी झोपड़ी आया को जब तक कोरोना चला हमने बांटा। सैनिटरी पैड, क्योंकि महामारी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत गंदी चीज़ होती है, 1 से 2, 2 से 2 लाख, वो एक बार फैलनी शुरू होगी पता नहीं कितनी औरतों में फैल जाएगी। सैनिटरी पैड बांटने की शुरुआत हमने करी। उस टाइम पर मास्क सबसे पहले 57,000 हमने बांटे थे। अगर यह भी सेवा भाई ना बांटो, कोरोना के दौरान सबसे पहली शुरुआत हमने करी थी। जिस टाइम सारे नेता मंत्री अपने घर में बंद थे मौत के डरते, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करे थे आदमिया ने, 1000 आदमियों को एडमिट हमने करवाया था, बेड हमने दिलवाए थे। 1000 से भी ज्यादा आदमियों को ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने बांटे जब ऑक्सीजन की किल्लत माची। तो एक बात बताओ, हर लड़ाई लड़ा हम, समाज को जरूरत होती आगे खड़े रहा हम, और चुनाव जिताए इनको, ये चंडीगढ़ जाके ऐसा आराम करते हैं। जितने आंदोलन हुए, हर एक आंदोलन में जैसा भी जो सहयोग हमारे से हुआ है वहां जाके हमने वो सहयोग करने की कोशिश की है।
अब जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहा है और पीछे लोकसभा चुनाव का जो माहौल रहा है, लोकसभा चुनाव में जैसा रिजल्ट रहा है हर्ष भाई, 5-5 सीटें जो है बीजेपी कांग्रेस की है और बीजेपी कांग्रेस ही हरियाणा के अंदर एक बड़ी पार्टी के रूप में देखी जाती है। तो जिस तरीके से बीजेपी पार्टी अब लगातार, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया है और बीजेपी पार्टी क्योंकि पीछे 10 सीट आई थी पिछली बार और लोकसभा में अब की बार 5 हो गई, तो कहीं ना कहीं उनकी असमंजस की स्थिति है, कहीं ना कहीं सोच विचार की स्थिति है भाई क्या हरियाणा में हमारा जो वजूद है वो कम हुआ है। तो अब जो घोषणाएं हो रही हैं बीजेपी पार्टी के अंदर लगातार कि भाई अब किसानों को भी MSP दे दी हमने, आज ही जैसे घोषणा हुई है 24 फसलों पे MSP दे दी है, नौकरियां भी निकाल रहे हैं हम, जो है सरपंचों का जैसे मामला चल रहा था उसमें भी सरपंचों को 5 की जगह 21 लाख रुपये का जो वो कर दिया है, उनका बजट बढ़ा दिया है। तो ये नीतियां जो हैं इस तरीके से आप लग रही हैं, तो इन चीज़ों से देख के आपको क्या लगता है कि भाई इन पार्टियों से, इन चीज़ों से करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है कि हरियाणा के इलेक्शंस में भाई क्या स्थिति होने वाली है आगे आने वाले टाइम में, किस तरीके से कौन सी पार्टी को आपको लग रहा है कि भाई उभर के और इस तरीके से सरकार बनाने वाली? हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं खाने के और। सभी को पता है चुनाव आ गया, चुनावी प्रक्रिया, चुनावी जुमले है, चुनावी स्टंट है, जितनी घोषणाएं कर रहे हैं घोषणाओं में तो पता नहीं, अगर आप घोषणा पत्र सरकार का हाल फिलहाल सुनोगे पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा हम तो बिना मेहनत करे 1 करोड़पति हैं। सैलरी आपको सरकार दे रही है, पेंशन आपको सरकार दे रही है, लोन आपको सरकार दे रही है, लोन माफ आपका सरकार कर रही है, घर आपको सरकार दे रही है, हर चीज़ की सुविधाएं सरकार का कहना हम कर रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत आप जब जमीनी सतर पे जाते हो उनने जो घोषणाएं करी है उनको एक बार सीधी आँख से देखो, चुनावी आँख से नहीं सीधी आँख से देखो। घोषणा कर दी नौकरियों की, कोई भी नौकरी निकाल दो पूरी ही नहीं होगी, अगले महीने में आचार संहिता लग जाएगी। जैसे ही चुनाव होगा, अगर चुनाव हार गई सरकार नौकरियां वैसे नहीं निकलेंगी, अगर सरकार चुनाव जीत गई घोषणा करने वाले जो हैं हो सकता है उनके पद उनके पास ना रहे, उनके पद चेंज कर दे, CM कोई नया और कुछ हो, या वे अपनी बात के दौरान पलट जाएं कि दोबारा से भर्ती निकालेंगे चुनाव के दौरान, वे सब चीज़ें ऐसा बार बार ये करते हैं। उससे अलग होता है भाई किसानों के कर्ज माफ की इन्होंने घोषणा की है, किसानों को परेशान करना बंद कर देंगे, हाल फिलहाल किसानों के पास कोई उगाही करने वाला नहीं जाएगा, जैसे ही चुनाव होगा आचार संहिता खत्म होगी दोबारा से फिर वही स्टंट शुरू हो जाएगा। इन्होंने अब MSP दे दी, देने की घोषणा की है दी नहीं है, उसका रीजन है हाल फिलहाल ही आप ये बता दो ना कौन सी फसल मंडी में खड़ी है, कोई नहीं, नहीं खड़ी ना, धान है फिलहाल सब जगह धान लग रहे हो, जीरी लग रही होंगी, धाना नहीं पर टाइम लगेगा, इतने चुनाव लेगा, चुनाव होते ही स्टंट वापिस हो जाएगा। इन्होंने तो जो 3 काले कानून थे उनको भी ये बोला था मोदी साहब ने, रोक लगा दी है भाई नहीं करेंगे, बोला होगा वे कानून हमारे ऊपर छोटे 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 टुकड़ों में करके अब सौंपे जा रहे, वे रोके कहाँ हैं सौंपे जा रहे, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था जैसे ही चुनाव हुआ फिर अपने रंग में सरकार आ गई। दूसरी बात क्या है, ये अब दिखावा कर रहे हैं, इनका मानना ये है लोगों के अंदर घुसना है, जितनी झूठ बोल सकते हो बोले जाओ, लेकिन इस झूठ को जनता अब जान चुकी है। ऐसे तो दुष्यंत चौटाला साहब भी पब्लिक के बीच में जा कर कहने लागे रे हमारी गैल धोखा हो गया, EVM का माफ कर दो, कहने लागे रे रोन लागे रे, 300 वोट पल्ले नहीं कोई सीट पर देख लियो, 300 कदे घनी हो जाए खुद गिर जो करून की परिवार की सीट छोड़ गए उनका को झोला ठानिया नहीं पाओगा। तो भाई साहब लेकिन रैलियां कर रहे, रैलियां पैसे के दम पे, कार्यकर्ता को पैसे दे रहे हैं, 10,000 की भीड़ हो कितना चलिया चाहिए, जब भी हार टम्पू भर ले मानस दिखने चाहिए मन, जब फोटो खेचे उनके हाथ में झंडा होना चाहिए, दुष्यंत चौटाला कर जयकार होनी चाहिए, सांझ होते उनसे 600-600 रुपये पकड़ा दो, पीणती दारू दे दो, ये रैली चल रही है इनकी। हर शिकारा अगर विधानसभा चुनाव अगर क्या हर शिकारा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे भी लड़ रहे हैं पार्टी से या निर्दलीय लड़ रहे हैं, हर शिकारा यहाँ से जीतते हैं तो हर शिकारा के सबसे ज़्यादा मेन जो मुद्दे रहेंगे गोहाना क्षेत्र के लिए टॉप 3 मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे मेन है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, अगर आप इनको सुधार दोगे आप हर चीज़ में कामयाबी पालोगे। शिक्षा अगर आपको मुफ्त आप अपने ये मान लो हल्के को देते हो, बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों का आप प्रबंध करते हो, उनकी पढ़ाई पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक अगर फ्री रहती है, अच्छा। एक पिता के सर से, गरीब के सर से, मजदूर के सर से बहुत बड़ा बोझ हट जाता है, क्योंकि शिक्षा में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। ऐसी ऐसी पढ़ाई, ऐसे ऐसे कोर्स MBBS के कोर्स में एडमिशन के 40 लाख रुपए लगते हैं, अगर वो पढ़ाई आपको मुफ्त मिलती है गरीब बेटे को, गरीब के घर से भी तो डॉक्टर बनेगा ना। तो शिक्षा में समानता रखें, यानी कि सबके लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। उसके बाद आती है बात स्वास्थ्य,
उसी जो भी आप स्कूल संस्था कॉलेज चलाते उसी के साथ अटैच कर दो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो उसमें भी इलाज मुफ्त होना चाहिए। जिस बच्चे ने फ्री में मुफ्त में शिक्षा ली है अगर उसमें से कोई टीचर बनता है उसी स्कूल में 2 साल पढ़ाओ भाई फ्री, तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बच्चों को अगले को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त उनको टीचर मिलेगा। जिन्होंने डॉक्टरी की है वो 2 साल अपने का कहता हुआ का इलाज करके दिखाओ, उनको मुफ्त में डॉक्टर मिलेगा, प्यार से उनका इलाज होगा, लुटने पिटने से बेचारे हुए बच जाएंगे। इलाज एक ऐसी चीज़ होती है, एक बीमारी पूरे घर न खा जाए, घर धरती जमीन सब के हम बेकुआ दे कर्जे तल दब जाए, गरीब आदमी बेचारा वो कर्जे तो ज़्यादा मर जाए बीमारी तक कम, तो वे चीज़ें फ्री होगी। अब तीसरी चीज़ आ गई रोजगार। जब आप मुफ्त में शिक्षा ले रहे हो, जितना पैसा शिक्षा पे वेस्ट करना था वो आपके पास बच गया, तो आप उस गरीबी से तो वैसे भी बच गए। अब जो रोजगार की बात आती है, रोजगार में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, सपोज करो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, तो आपके अंदर शिक्षा है, ज्ञान है, ज्ञान और ज्ञान दो ऐसी चीजें होती है इस पृथ्वी पर जो आपसे कोई नहीं बांट सकता, वो आपके काम आएंगी। तो आपका ज्ञान जब आपके पास है तो आप देश के किसी भी कोने में जाके कैसी भी मेहनत मजदूरी कर सकते हो, एक सरकारी कर्मचारी बनने के इंतजार में नहीं रहोगे। इसीलिए सबसे मुख्य जो मुद्दे हैं वो ये हैं। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स, खेल, क्योंकि सोनीपत के अंदर खेल बहुत ज्यादा है, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र खेल से जुड़ा हुआ है। आप अगर खेलों की बात करोगे, खेलों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कामयाब हो गए, जिनका नाम हो गया, लेकिन वे सिर्फ एक चीज़ के कारण रह गए, उनके आगे चल के कहीं रोजगार या कहीं नौकरी या उनका कोई कोटा नहीं रहा। उदाहरण के तौर पे एक बहुत मशहूर खेल हरियाणा का सर्कल कबड्डी, जिसमें ऐसे ऐसे नायाब हीरे हैं जैसे कि शिल्लू भाई है, अब कितना नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस इंसान का, उस लड़के का, मात्र 21-22 साल की उम्र में, और जब इसे इसे टैलेंटेड अपने गामा में भरे पड़े हैं, और जो सर्कल कबड्डी है उनको अगर छोटा मोटा कोई कोटा दे दिया जा, उनके लिए कोई इज्जत की नौकरी दे दी जा, तो हमारे जो हरियाणा के अंदर है खेल कितने उच्चतम स्तर पे होगा। उनको घटाना नहीं चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। कोई भी खेल हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट की आपको पूरे हरियाणा के अंदर, इसमें माफी चाहता हूँ, सोनीपत के अंदर सरकारी मेरे हिसाब से 2 अकेडमी नहीं मिलेंगी, एक भी नहीं मिलेगी शायद, मेरे को तो लगता है जो भी हैं प्राइवेट हैं। अब प्राइवेट की फीस इतनी हो जाती है आदमी वहाँ तक गरीब पहुँच नहीं सकता। तो इसलिए जो खेल है, खेल के अंदर भी एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। हर गांव के अंदर ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि बच्चे को जो गेम करना वहां जाके फ्री में वो सुविधा उसको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई आपका। तो हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, एक अच्छा सा उनकी तरफ, क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो एक मैसेज जो है युवाओं के लिए खासकर क्या रहेगा आपका? देखो, मेरा सबसे मानना यही है, हम जो चुनाव की अपनी मुहिम चला रहे हैं, पत्रकार जितने मेरे साथी हैं आपके माध्यम से उनको भी कह रहा हूँ, आम जनता को भी कह रहा हूँ, जो शिक्षित वर्ग उनको भी कह रहा हूँ, जो सरकारी कर्मचारी उनको भी कह रहा हूँ, आपके बेटे ना आपके बच्चे ने बिना पद बिना पावर के इस छोटी सी उम्र में गरीब परिवार से उठकर अगर इतने काम करे हैं, देखो लांछन उसी पे लगते हैं जो कोई करने की हिम्मत रखता है। जी नाल चलाना ही नहीं आओगा उसका फल ही थोड़ी लगेगी, जो चलाओगा उससे लगेगी। तो मेरा मानना ये है लांछन भी उससे लगेंगे जो कुछ करता होगा। आपका बेटा 100% दूध की तरिया सफेद है, जो भीतर था वो ये बारते है। जो काम हम नाश्ती कर रखे हैं, जो काम करके दिखा दिए, अगर हमारे से ज्यादा कोई काम हल्के के अंदर कर रहा हो, मेरा मानना यह है शिकारा को भले ही ना चुना उसको चुनना। अगर उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है, ये काम करने में वो असमर्थ रहे हैं, तो अपने बेटे का हक मत मारना, अपने बेटे का साथ जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई। तो हमने आपकी मुलाकात कराई हर्ष शिकारा से। हर्ष शिकारा जो हैं वो जानी मानी एक सोशल मीडिया हस्ती हैं, लगातार जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार समाज में जुड़े रहते हैं, लगातार जो है मेहनत करते रहते हैं, हर गरीब का, हर एक युवाओं के लिए हर तरीके से सहारा बने रहते हैं। जो भी इनसे मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए आता है, कभी वो खाली हाथ नहीं लौटता है। ये हर्ष भाई का यहाँ से मानना है कि वो लगातार मदद करेंगे, और इसी तरीके से वो चुनाव में आए हैं कि भाई मैं क्यों नहीं, मैं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकता, और मैं पॉलिटिक्स के ज़रिए जब मेरे साथ अभी मेरी छोटी टीम है और ये बड़ी, जब मैं विधायक बनता हूँ तो ये टीम और बड़ी हो जाएगी और हम और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये उनके नेक इरादे हैं इस तरीके से। तो हमने लगातार आपकी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स के ज़रिए अपने सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।